तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं इंडियन टॉय स्टोर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इलीजेंट बारबी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफी बड़ा बॉक्स है और यहाँ पे जो सामान हमें मिलने वाला है वो भी दोस्तों काफी ज्यादा अमेजिंग है। प्राइस की मैं बात करूँ तो ये कुछ मार्केट में 600 रुपए के आसपास मिले हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है डेंटल स्माइल डॉक्टर सेट। यहाँ पे दोस्तों जो डेंटल का पूरा सेट होता है वो हमें मिलने वाला है। प्राइस की मैं बात करूँ तो ये कुछ 500 रुपए के आसपास मिला है। तो दोस्तों लास्ट वीडियो देखना तभी आप लोगों को मजा आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा वाला प्रोडक्ट आप लोगों को परचेस करने के कौन सा वाला सही है आपके लिए। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 2000 लाइक, तो मुझे पता है कि दोस्तों आप लोग लाइक को जरूर पूरा करोगे। चलिए दोस्तों ज्यादा वक्त ना गवाते पहले मैं ये जो डेंटल स्माइल डॉक्टर सेट है उसको ओपन करना चाहूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का पाउच है और यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई है भाई क्या क्या इसमें मिलने वाला है और इसको कैसे यूज करें। तो चलिए तो फिर इसको कर लेते हैं ओपन। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो डेंटल सेट नहीं सकता। यहाँ पे दांत मिलने वाले हैं तो आप लोग देख सकते हो। खेलने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा जो दांत है वो मिलने वाला है। आप लोग इसके साथ यहाँ पे ब्रश कर सकते हो या फिर कुछ मेडिकल भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दांत वगैरह साफ करने के लिए। यहाँ पे दोस्तों ड्रिल मशीन से आप है ना इस दांत को लेवल भी कर सकते हो सिर्फ ऐसे ही खेलने के लिए। यहाँ पे मिरर भी है तो दोस्तों मिरर की मदद से आप लोग दांत में सड़न भी देख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों फुल फेम आपको पूरी की पूरी किट मिलने वाली है और ये कैप्सूल है ना इसके अंदर, इसको बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो कैप्सूल है वो पूरी की पूरी अंदर ही रह गई, ये देखिए। और आप लोग इसके दांत देख सकते हो कितने ज़्यादा साफ है, ये देखिए। तो अभी दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट बारबी डॉल की एलिजेंट। तो यहाँ पे जो हमारी डॉल है वो आ चुकी है बाहर, बड़े इजी तरीके से दोस्तों आ गई।
चीजें देख सकते हो। ज्यादा चीजें मिलने वाली है नहीं, लेकिन क्वालिटी मुझे काफी स्टैंडर्ड लग रही है। कपड़े से ही दोस्तों स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे छोटे मोटे कपड़े मिलने वाले हैं। तो ये क्वालिटी देख सकते हो, इसकी जो क्वालिटी है वो ठीक ठाक है, और आप लोगों ने पैटर्न भी बहुत बार देखी होगी। ये भी वाली जो पैटर्न है वो भी दोस्तों आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो आपको काफ़ी मस्त मिलने वाली है। शाइनिंग वाला कपड़ा है, ये वाली भी दोस्तों क्वालिटी आप लोगों ने देखी होगी पहले। पैटर्न भी सेम ही जैसी है पहले जैसी। और यहाँ पे और तीन जोड़ी कपड़े हैं, तो तीनों की तीनों जो क्वालिटी है वो दोस्तों सेम ही मिलने वाले हैं। यहाँ पे जो न्यू कलर हमें मिलने वाला है वो ये स्काई ब्लू, तो आप लोगों ने ये वाली पैटर्न भी बहुत बार देखी होगी दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग ताज देख सकते हो, आप लोगों ने दोस्तों इसको भी बहुत बार देखा होगा। यहाँ पे एक क्रिस्टल लगा हुआ है, यहाँ पे कोई कलर किया गया नहीं है, और ये पूरा का पूरा दोस्तों प्लास्टिक का बना हुआ है। तो आप लोग दोस्तों इसको पेन की तरह यूज़ कर सकते हो, और काफ़ी अमेजिंग और न्यू डिज़ाइन आपको मिलने वाली है ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे इयरिंग्स की मैं बात करूँ तो क्वालिटी आपको काफ़ी स्टैंडर्ड मिलने वाली है। यहाँ पे जो कलर है वो भी दोस्तों कहीं से भी निकला नहीं है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे क्रिस्टल यूज़ किए गए हैं, लेकिन दोस्तों एक दिक्कत जरूर हुई है, आप लोग इसको पहन नहीं सकते, सिर्फ सोप इसके लिए रख ही सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो चिपिया देते हैं वो हमें मिलने वाला है नहीं। बाकी आप लोग सोप इसके लिए भी पहन सकते थे, लेकिन इस बार चिपिया ही नहीं मिला हमें। तो यहाँ पे दोस्तों सेट की मैं बात करूँ तो दोस्तों जो महारानी का हार होता है ना, वैसा ही दोस्तों हमें सेट मिलने वाला है। यहाँ पे क्रिस्टल यूज़ किया गया है दोनों में दोस्तों, यहाँ पे पिंक वाला क्रिस्टल है, ये जो वाला दोस्तों क्रिस्टल है ना वो बहुत ही ज़्यादा चमक मारा है ये देखिए, और यहाँ पे रेड वाला स्टार वाला, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग। और यहाँ पे ये माला हमें मिलने वाली है, प्लास्टिक क्वालिटी की बात करो तो काफ़ी अच्छी और शाइनिंग वाला प्लास्टिक यूज़ किया गया है, तो यार काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग। और ये जो सेट है दोस्तों वो आपको न्यू डिज़ाइन में मिलने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों बार्बी डॉल की क्वालिटी की बात करो तो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वालिटी हमें मिलने वाली है। यहाँ पे जो इसके हैंड है वो आपको रबर के मिलने वाले हैं, और फ्लेक्सिबल तरीके से मूविंग भी कर रहे हैं ये देखिए। यहाँ पे इसका जो सिर है वो भी दोस्तों मूव कर रहा है। हेयर जो है वो दोस्तों थोड़े से लंबे हमें मिलने वाले हैं, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हेयर है। यहाँ पे हाईलाइट आप लोग देख सकते हो। कपड़े की क्वालिटी की बात करो तो ये भी दोस्तों काफ़ी स्टैंडर्ड क्वालिटी हमें मिलने वाली है। यहाँ पे आप लोग डिज़ाइन देख सकते हो, पैटर्न दोस्तों मैंने पहले देखी हुई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डिज़ाइन हमें अलग मिलने वाली है। इसके दोस्तों जो पैर है वो भी दोस्तों मूवेबल है ये देखिए, और हमारी जो बार्बी है वो भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया और अच्छी क्वालिटी में है। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो अभी तक खत्म हुई नहीं है, लास्ट में उसका क्लोजअप लुक दिखाने वाला, तो प्लीज़ यार लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। आप लोगों को इन दोनों में से कौन सा वाला सेट सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा वो भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मुझे दोस्तों प्राइस के हिसाब से यहाँ पर ये जो डेंटल सेट है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि दोस्तों इसमें चीज़ें आपको बहुत सारी मिलने वाली है, प्लास्टिक क्वालिटी भी दोस्तों काफ़ी बेस्ट है, और दोस्तों आपकी जो किड्स है वो डेंटल की एक्टिविटी काफ़ी इजीली समझ भी पाए, और दोस्तों कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। ये जो वाली दोस्तों डॉल है उसकी थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा है, वैसे दोस्तों क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, अगर ये 400 या 500 रुपये के आसपास होती तो काफ़ी अच्छा होता। यहाँ पे दोस्तों आपको कपड़े तो बहुत सारे मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी मिलने वाली है नहीं, क्योंकि बार्बी को कभी कभार होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, जो लोग नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे भी लेके आने वाला। तो चले तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।